इंडियन, क्योंकि मेरे हस्बैंड आधे इंडियन हैं और आधे पाकिस्तानी हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं नेटफ्लिक्स सीरीज और सीजन वगैरह देख रहे हैं, तो वो चाइनीज़ कोरियन वगैरह, इसलिए हमें इस तरह वॉइस इस तरह पसंद है। देखा जाए तो ज़्यादातर चाइनीज़, ठीक है, क्योंकि इंडियन को आजकल कोई चाइनीज़ की वजह से मूड नहीं लगा रहा, BTS की वजह से। चाइनीज़ छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, हाइटी डो और क्यूट प्लस हॉट हो, दोनों चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, जो एक ही टाइम पे क्यूट भी लगे और हॉट भी। जो देसी हैं इन्हें पसंद किया जाता है, तो इस वजह से जो चाइनीज़ लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी लड़के हैं या इवन इंडियंस हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़। कहाँ है वो बताएं मुझे, कौन है? काल मैं हूँ सनाम, जो तो राज में पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए और आपके लिए एक बहुत मज़े का सवाल लेकर आई हूँ। और सवाल ये है कि कौन से बॉयज़ ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होते हैं, इंडियन बॉयज़ या चाइनीज़ बॉयज़। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियाँ इस हवाले से क्या कहती हैं, क्योंकि एक सोच बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ चाइनीज़ बॉयज़ को शादी के लिए प्रेफर करते हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी लड़कियों से। आपका नाम? मरियम। नूरम। नौरीन। तानिया। सैरिश अली खान। मतरबा। हिबा। अफशीन अवान। फरहीन अवान। क्या करती हैं आप? मैं इंटरनेशनल कंपनी में डायरेक्टर हूँ। और आप? मैं स्टे एट होम हाउसवाइफ, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। माशाल्लाह। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बहन की शादी की शॉपिंग। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। शादी का क्या प्लान है? अभी तो फिनिश करूंगी अपनी डिग्री, के बाद फिर सोचूंगी। मैं थर्ड ईयर में PG की स्टूडेंट हूँ। शादी का क्या प्लान है? शादी 3-4 साल तक कोई प्लान नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हो? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से BS इंग्लिश कर रही हूँ। मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ स्पीरो यूनिवर्सिटी से। शादी का क्या प्लान है? फिलहाल तो कोई भी नहीं है। मेरा दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। रिश्ते तो आ रहे होंगे? नहीं, मुझे नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। क्या करती हैं आप? फर्स्ट ईयर पंजाब कॉलेज। थर्ड ईयर पंजाब कॉलेज। कौन से बॉयज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, चाइनीज़ या इंडियन? इंडियन, क्योंकि मेरे हस्बैंड आधे इंडियन हैं और आधे पाकिस्तानी हैं। वो कैसे? उनके डैड भोपाल से हैं और उनकी अम्मी कराची से हैं। आपको क्या लगता है कौन से बॉयज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, चाइनीज़ या इंडियन? दोनों भी नहीं, इंडियन भी नहीं और चाइनीज़ भी। क्यों? आपके हस्बैंड पाकिस्तानी तो नहीं? पाकिस्तानी बॉयज। अच्छा, एक मिनट, हस्बैंड को थोड़ा सा साइड पे रख के अब बताएं, इंडियन या चाइनीज कौन अट्रैक्टिव है ज्यादा? इंडियन। इंडियन सबसे, पाकिस्तानी से सबसे करीब, जैसे लुक्स में। और चाइनीज छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उनकी आंखें भी स्मॉल होती हैं। अगर एक पिक करना होता ना, मैं कहती चाइनीज। चाइनीज क्यों? बस इंडियन का है एक, हमारी नहीं बनती ना पाकिस्तानी इंडियन लोगों के साथ, तो अगर इफ आई हैव टू पिक मैं कहती हूँ चाइनीज। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि चाइनीज की लुक से नहीं होती, पता ही नहीं चलता चाइनीज लड़का है या लड़की। ये दिस इज अ स्टेरियोटाइप, बहुत बुरी बात है, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, इसलिए लोग हमारे बारे में भी यही कहते हैं बाहर में, तो वी शुडंट से दैट अबाउट चाइनीज पीपल। मतलब आपने सारे इंडियन बॉयज का दिल तोड़ दिया? तोड़ दिया, बस तोड़ दिया, अब क्या कह सकते हैं। इंडियन, क्योंकि वो पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो इसलिए, अदरवाइज ये नहीं है कि इंडियन मुझे पसंद है। मुझे ये बताओ कि कौन से बॉयज़ ज़्यादा हैंडसम होते हैं, चाइनीज या इंडियन? चाइनीज। चाइनीज। क्यों, ऐसी क्या बात है चाइनीज जो इंडियन में नहीं है? मेरे ख्याल से चाइनीज जो होते हैं ना, दे आर मोर लाइकली टू बी हैंडसम, और उनकी हाइट अच्छी होती है, और उनका चाइनीज की हाइट अच्छी होती है। हाँ, और वो जो बॉडी फिगर वगैरह होता है उनका, दे इज़ वे बेटर देन इंडियन। चाइनीज या इंडियन, दोनों में से अट्रैक्टिव कौन से हैं? ऑफ कोर्स चाइनीज। भाई चाइनीज क्यों 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 क्यों? बहुत क्यूट से होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं। अच्छा, लड़कियों को क्यूट नहीं, मेरा ख्याल है हार्ड बॉयज ज़्यादा पसंद होते हैं, जिनकी बॉडी अच्छी हो, बॉडी बिल्डर हो, स्किन जो है वो डार्क हो। चाइनीज तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट नहीं होते? असल में जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं नेटफ्लिक्स सीरीज और सीजन वगैरह देख रहे हैं, तो वो चाइनीज़ कोरियन वगैरह, इसलिए हमें इस तरह बॉयज़ इस तरह पसंद है।
आपकी भी यही रीज़न है चाइनीज़ के लिए? पर्सनली क्यूट बॉयज़ ज़्यादा पसंद है बनिस्बत दूसरों के, हाइटेड हो और क्यूट प्लस हॉट हो, दोनों चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, जो एक ही टाइम पे क्यूट भी लगे और हॉट भी, तो वो स्पेसिफिकली कोरियंस में या चाइनीज़ में ही होती है। कौन से बॉयज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम होते हैं, चाइनीज़ या इंडियन? देखा जाए तो ज़्यादातर चाइनीज़, ठीक है, क्योंकि इंडियन को आजकल कोई चाइनीज़ की वजह से मूड नहीं लगा रहा बीटीएस की वजह से, ठीक है, तो इसलिए मैं तो यही। बीटीएस क्या है मुझे नहीं पता, मुझे भी तो बताओ। ये एक ग्रुप है असल में, तो उसकी वजह से ना उसने पूरी मतलब के पाकिस्तान में भी और हर जगह पर उसने अपनी धूम मचाई हुई है, तो इसलिए जो भी जिससे भी पूछ लो आपको बीटीएस के बारे में बहुत अच्छी तरह बताएंगे। अच्छा, तो वैसे कहा जाता है कि चाइनीज़ बॉयज़ की लुक्स नहीं होती, तो उसके बावजूद भी चाइनीज़ बॉयज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, वाई? पैसा बहुत है एक तो उनके पास, और एक तो उनके पास टेक्नोलॉजीज बहुत हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि कुछ भी मतलब इंडियन से ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, अगर आपने बात की पैसे और टेक्नोलॉजी की, तो इंडिया तो आजकल हर चीज़ में चाइना को पीछे छोड़ रहा है, टेक्नोलॉजी में भी और इकोनॉमी वाइज भी, तो फिर वाई नॉट इंडियन? जो चाइनीज़ की बात है वो इंडियन की कभी नहीं हो सकती। जो इंडियन लड़के देख रहे हैं उनका दिल टूट जाएगा ये सुनने के बाद। नहीं तो वो हमारे बारे में भी इसी तरह कहते होंगे। अगर आपको चाइनीज या इंडियन बॉयज में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, दोनों का रिश्ता आ जाए, तो किसके साथ जाएंगे? चाइनीज चाइनीज सुनने से, चाइनीज से करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, लड़कियां पैसे पे मरती हैं या लुक्स पे? आजकल तो पैसे पे मरती हैं, पैसों पे मरती हैं, लुक्स पे नहीं। नहीं, लुक्स तो फेड हो जाती है ना, फेड हो जाती है, लेकिन बोटॉक्स कर सकते हैं आजकल, लड़के भी बोटॉक्स करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, नोज जॉब करते हैं, लुक्स पे भी मरती हैं, पैसे भी मरती हैं, तो बेचारे जो दिल के अच्छे होते हैं वो क्या करें, उनका क्या कसूर है? हमारे तो दिल के भी अच्छे हैं, लुक्स के भी अच्छे हैं, पैसे के भी अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें अच्छे मिले हस्बैंड, मिल जाते हैं टाइम से, मिल जाते हैं कि आपको ये सब कैटेगरी में 100% हस्बैंड मिल जाए, आपको मिल जाएगा। अच्छा, वो लड़कियाँ जो वाकई में चाइनीज बॉयज को पसंद करती हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? कहाँ है वो बताएं मुझे, कौन है? पैसे पे ये मेरे से तो नहीं था सवाल, जर्नल पूछा है। हाँ, पैसे पे मरती हैं लड़कियाँ, पैसे पे मरती हैं या लुक्स पे? दोनों। आप किस पे मरती हैं? दिल पे, दिल की, यस, कैरेक्टर, अच्छी बात, अच्छे मॉरल्स होते हैं, ये मैं देखती हूँ। अच्छा, इंडियन बॉयज टोटली तौर पर रिजेक्ट, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते? सॉरी इंडियन बॉयज, नहीं। मेरा नहीं ख्याल, मतलब मेरे बिल्कुल ही ऑपोजिट विचार है इस बारे में। इट इज़ लाइक कि आपका कंपेनियन कोऑपरेटिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, आप मिलके अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हो और आपकी लाइफ ऑब्वियसली एक अच्छी जिंदगी भी बना सकते हो, तो पैसा इज नॉट एवरीथिंग। आप क्या कहोगी, पैसा या लुक्स? आई थिंक पैसा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? जी बिल्कुल, हम लोग शॉपिंग करने आए हैं, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। चलिए अल्लाह करे कहीं से स्पॉन्सर हो जाए, आमीन। अच्छा, एक ना कॉन्सेप्ट बना हुआ है, कहा जाता है कि पाकिस्तानी लड़कियां शादी के लिए चाइनीज बॉयज को ज्यादा प्रेफर करती हैं, आप इस चीज पर कितना एग्री करती हैं? जीरो, जीरो एग्री। हाँ, मैंने तो ये नहीं सुना कभी पहले। अमेरिका में तो जो पाकिस्तानी इंडियन है वो चाइनीज पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये पता नहीं कौन सोचता है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बॉयज की बहुत डिमांड है, लेकिन चाइनीज़ लड़कियों की तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं है और लड़कों की भी नहीं है। ऐसा ये आप कैसे कह सकती हैं हमारे पाकिस्तानी बॉयज़ की बहुत डिमांड है? क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में रह के देखा है कि जो हम लोग हैं, जो देसी हैं, इन्हें पसंद किया जाता है, तो इस वजह से जो चाइनीज़ लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी लड़के हैं या इवन इंडियंस हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़। हो सकता है रियलिटी है, अभी देखते हैं, अभी मैंने ये तो नहीं सुना हुआ, अब्रॉड हम अमेरिका से हैं लेकिन उधर की पाकिस्तानियों की लड़कियों के मैंने ये पहले भी नहीं सुना हुआ, तो ये नई ट्रेंड है। अच्छा, वहाँ का अब्रॉड में तो अलग सोच होगी ना, पाकिस्तान में देखा कोई दोस्त
बहन या कोई रिश्तेदार दूर की रिश्तेदार किसी ने चाइनीज से शादी की हो? चाइनीज से नहीं, लेकिन कोरियंस जो होते हैं ना उनके पॉप स्टार्स भी बड़े होते हैं, तो कोरियन पॉप स्टार्स बहुत पसंद है मेरी कजिन्स को। आज के प्रोग्राम में मैंने देखा कि ज़्यादातर लड़कियों को चाइनीज और कोरियन बॉयज ही पसंद है, आपकी क्या राय है इस बारे में कि आपको किस तरह के लड़के और लड़कियां पसंद हैं? आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।